हेलो। हेलो मैम, आपने कुछ नहीं है। हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा मैम, हेलो मैम।
जीतू ठीक थी, मम्मी ने पूछा था। जीतू ठीक है दिया, तो आई नहीं आई अपने मर्जी। मेनू किन्नी की प्रॉब्लम है, इसने मेनू की प्रॉब्लम है, मेनू छड़ने देती तो आई। हरे कृष्णा मैम, हेलो हेलो, हरे कृष्ण, डैडी के कष्ट बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा मैम, हेलो हेलो, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा मैम, हरे कृष्णा माता जी। आज क्लास आप लोगे माता जी? प्रभु जी आप क्लास लोगे आज? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नहीं, क्लास तो माता जी लेंगी, वो कोई बच्चा था जो शायद बार बार क्लास में बोल रहा था, क्लास माता जी ही लेंगी। ओके माता जी, माता जी का नंबर आप बता सकते हैं हमको? माता जी वो आप है ना, उनसे पूछ लीजिएगा क्लास में, वो बता देंगे। प्रभु जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी को क्लास में पूछ लेना नंबर, बता देंगे। बंद करवा देंगे। हरे कृष्णा मैम, 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 हेलो 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 हेलो, हरे कृष्णा मैम,
हरे कृष्णा मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। स्टार्ट करें माता जी? यस माता जी। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। हरे कृष्णा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशो अध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। माताजी ट्रांसलेशन। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? श्री भगवान उवाच मैया वैश्य मनो इमाम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परियोपितास ते मे युक्ता मामतः। वीना माता जी, आप मोहिनी माता जी को अनम्यूट करेंगे? शी इज नॉट एबल टू अनम्यूट। वीना माता जी, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा में सदैव तत्पर लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। एतौ अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूठस्थम अचलम ध्रुवम संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरतः। वीना माता जी, मोहिनी माता जी को प्लीज या तो को होस्ट बना दीजिए या अनम्यूट कर दीजिए। बिकॉज आई एम शेयरिंग स्क्रीन सो विल नॉट बी पॉसिबल। माताजी, बिना माताजी हैं कहाँ? कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनका हाथ भी खड़ा नहीं है, कहीं नाम भी नहीं है, कैसे बनाऊं मैं? अच्छा ठीक है, मोहिनी माताजी आप हैंड रेस कर दीजिए तो माताजी आपको को-होस्ट बना देंगे। माताजी माताजी हो गया हो गया माताजी जी, लेकिन जी माताजी पहले से है मेरे को लगता है। मोहिनी माताजी अनम्यूट करिए आप। मोहिनी माता जी अनम्यूट कीजिए। माता जी वो कोहोस है शायद। हाँ पहले से है। जी मोहिनी माता जी आप अनम्यूट करिए। वो है कोई पहले से। मोहिनी माता जी, माता जी क्या उसको ट्रांसलेट करना है? हाँ मैं ही कर देती हूँ माता जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कर दूँ? नहीं तो मैं करूँ? नहीं नहीं माता जी मैं कर दूंगी, माता जी मैं कर दूंगी। वो क्या बार बार उनको मन हो रहा था ट्रांसलेट करने का, वो मैसेजेस कर रही हैं इसलिए मैं कर देती हूँ। हाँ पा रही। वो जी जी वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं कर देती हूँ माता जी। श्लोक 4 ट्रांसलेशन। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है,
वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर् दुःखम् देहवद्भिर् अवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन् उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चितों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी ट्रांसलेट कीजिए। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यास पैसम अर्थोसी मत कर्म परमो भव मत अर्थम अपि कर्वाणी कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अथेत अप्यशक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाज ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस त्यागच्छान्ति अनंतरम। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्ट सर्व भूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समह दुख सुख शमी संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनो बुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मानोद्विजते लोको लोकानोद्विजते चयः हर्षमर्ष भयोद्वेगिर मुक्तो यः सच मे प्रियः। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वरम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानि है समे प्रियः। जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना पछताता है ना इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समा संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतमृदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत् परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर सद्धा श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। जी माता जी, अभी तो थोड़ा कीर्तन करें माता जी। जी माता जी। समय राधा कृष्ण पान मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण पान मोरा युगल किशोर। जीवने मरण गति आए नहीं हो। जीवने मरण गति आए नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवने मरण गति आए नहीं मोर। जीवने मरण गति आए नहीं मोर। राधा कृष्ण कान मोरा युगल किशोर। कालिनिया कुदे करी कदम मेरवाना। कालिनिया कुदे करी
पदम मेरवाना रतन विरिया सब जसुजाना रतन विरिया सब जसुजाना राधा कृष्ण कानंद युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मो जीवने मरण गति आए नहीं मो कतिया मलाती मला दीवो दोहर गाले कतिया मलाती मला दीवो दोहर गाले अदर तुरिया दिवो गतुर तामूले अदर तुरिया दिवो गतुर तामूले राधा कृष्ण कान मोरा युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं हो जीवने मरण गति आए नहीं हो ललिता विशाखादि जटिल सखी बिंदा ललिता विशाखादि जटिल सखी बिंदा अजय करीवो सेवा चरणार बिंदा अजय करीवो सेवा चरणार बिंदा राधा कृष्ण प्राणोरा युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं हो जीवने मरण गति आए नहीं हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदासा सेवा विलासा करे नरोत्तम दासा सेवा विलासा करे नरोत्तम दासा राधा कृष्ण प्राणोरा युगल किशोर जीवने मरण गति आए नहीं मो जीवने मरण गति आए नहीं मो राधा कृष्ण प्राणोरा युगल किशोर हरे कृष्ण हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत वसुदे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन ब्रजभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेषाय कूटले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी दीना मिले नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यारणी जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरव भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी कृष्णा बहुत ही सुंदर है आज का 12वां अध्याय माता जी बहुत ही सुंदर जी माता जी माता जी कुछ लोग इसको बार बार पढ़ते हैं 12वें अध्याय जी माता जी मैं आज एक लाइन भूल गई थी माता जी वही चेक कर रही हूँ
नहीं समझ नहीं आया माता जी, एक लाइन में भूल गई थी, तीसरी लाइन। अच्छा, बहुत बोलने लगी हूँ माता जी, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। नहीं माता जी, वो टैबलेट्स वगैरह खा रहे हैं ना, अभी इसके लिए होगा, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। नहीं वो तो पेन किलर ही और कोई टैबलेट नहीं लेती मैं, बहुत कम लेती हूँ दवाई। नहीं वो सही है माता जी, पेन के लिए ही बस, काफी ठीक है पहले से, ठीक हो जाएगा माता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी जी माता। जी माता जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। जी माता जी, अंकित जो छोटा सा जो है ना, अंकित क्या है, कोई कुछ पूछना है आपको बेटा? नहीं उनको कुछ नहीं पूछना है माता जी, वो ऐसे सिर्फ हैंड रेस किया था तभी। कोई और का है तो ले सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास। किसी को कोई प्रश्न है तो प्लीज, रिलेटेड टू लास्ट फ्यू चैप्टर्स, किसी को प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेस करिए, माता जी के पास 5 मिनट है। हरे कृष्णा पूछिए बेटा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बोलो। इसमें 12वां अध्याय में भक्ति योग में क्या है मैम? क्या आप पूरा सुन लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको समझेगा। नहीं अभी हम 5 चैप्टर से उसी के बारे में बोल रहे हैं। अब हरे हाँ 5 चैप्टर से 5 अध्याय से इसी के बारे में बोल रहे हैं, जो वो ही आज भी है। 6 चैप्टर भगवत गीता के बीच के सिर्फ भक्ति के ऊपर है, ठीक है। वो जो आप ये सब पीडीएफ दिखाती है, हर एक पीडीएफ से आपका क्विज जो आप देती है करने के लिए, तो उसमें मैं कई बार अटेम्प्ट किया हूँ पर नहीं हो पाता है। ध्यान से करो, अच्छे से करो, हो जाएगा। मेरा रजिस्टर तो लॉगिन नहीं हो पाता। अच्छा, उसके लिए आपको ही माताजी लोग बता देंगे, उनको पूछना, ठीक है। प्रभु जी है वहाँ, माताजी लोग हैं, वो कोई बता देंगे। आप किसी को भी मैसेज कर लीजिए, और वैसे भी आपका एक्चुअली बिलो 15 है तो आप ना चिल्ड्रन इसमें आप एनरोल कर लीजिए। मैंने कल लिंक भेजा था ना आपको, आप उस पर ज्वाइन हो जाइए नेक्स्ट बैच में से। ये तो सुन लीजिए आप, और दिसंबर में जो हो जाएगा ना उसमें आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। वो बच्चों का क्विज अलग डेवलप किया है प्रभु जी ने, तो वो आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। क्विज का लिंक भेजी है वो जो आप ने, अभी अभी एनरोल करना पड़ेगा अभी, क्योंकि पहले का क्विज खत्म हो चुका है ना, अभी बच्चों का वो एडमिशन अभी बंद हो गया है, दोबारा से अभी नेक्स्ट बैच में से अभी दिसंबर में चालू हो जाएगा बच्चों का, उसमें एनरोल कर लीजिए। अभी इसमें अटेंड कर लीजिए, आप रोज तो करते हो ना, ठीक है। हरे कृष्ण। मैम मैं बोल रहा हूँ कि वो लिंक नहीं है मेरे पास जो आप, मैंने कल भेजा था, दोबारा से भेजती हूँ आपको, उसमें एनरोल कर लीजिए अगले मंथ के लिए, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है मैम, चैट बॉक्स में मैंने कल डाला था, आप वापिस आज भेजती हूँ। Om namo 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 Om namo
हरे कृष्णा जी माता जी, आप शुरू कर लीजिए जी। जी एक दो मिनट है, रुको माता जी। हाँ जी, एक ही मिनट है माता जी, थोड़ा एक रिमाइंडर तो भेज दिया मैंने। जी जी कोई बात नहीं माता जी, आप इसके बाद ही आते हैं। जी 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 जी। हरे कृष्णा, भगवद गीता का 12वां अध्याय है ये, भक्ति योग के ऊपर ये आज छठा अध्याय है। सारे ही भक्त, वैसे तो सब चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं, पर ये बीच के जो भक्ति योग के जो 6 चैप्टर हैं, 6 अध्याय हैं, ये अति उत्तम है। उनमें भी ये जो 12वां अध्याय है ये अति उत्तम है। इसमें बताया गया है भक्त के, एक तो भक्त के बारे में, भक्त के गुण। दूसरा इसमें बताया गया है दो तरह से भगवान की जो भक्ति हम करते हैं, निर्विशेषवादी और सगुणवादी, इसके बारे में बहुत ही सुंदर अध्याय है ये भगवद गीता का। इसमें ये दिया गया है, उसको मैं हटा देती हूँ। तो इसमें ये पहले श्लोक दिया है 12वें अध्याय का, अर्जुनो वाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वाम परुपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित तमः। अर्जुन ने पूछा भगवान से, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। अर्जुन पूछ रहा है भगवान से, दो प्रकार से भक्त आपकी भक्ति करते हैं, एक तो साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं अपनी भक्ति के अनुसार और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में है, दूसरे वो हैं जो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं। निराकार भगवान का वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। जो साकार रूप में भगवत भक्ति कर रहे हैं वो सगुणवादी हैं। दो तरह से हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है इनमें से उत्तम क्या है, अधिक पूर्ण सिद्ध किसको माना जाए इन दोनों में से। ऐसे इसमें कहा गया है निर्विशेषवादी तथा सगुणवादी दो तरह से भगवान की भक्ति करते हैं। सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करते हैं किंतु अप्रत्यक्ष रूप से न करके, प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं। इसमें कहा है जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर को, परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं निर्विशेषवादी। अर्जुन जान चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना शेष है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हम साकार रूप में भगवान की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, ये विधि सरल है, ये आसान विधि है। और जो निर्विशेषवादी निराकार रूप में भगवान की का ध्यान करते हैं, वो योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा अपने शरीर को कष्ट देते हैं, जिससे वो अपनी इंद्रियों को बस में कर सके, क्योंकि बिना इंद्रियों को बस में किए भगवान भक्ति में आगे बढ़ना कठिन है। लेकिन जो साकार रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनको कृत्रिम साधनों से अपनी इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जैसे भक्त भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी इंद्रियां स्वतः ही दब जाती हैं या बस में हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया है साकार रूप में भगवान की भक्ति करना सरल है, ये मार्ग सरल है। दूसरा, भगवान राम के रूप में भगवान लीला करने आए इस धरा पर, भगवान कृष्ण के रूप में लीला करने आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला करने आए साकार रूप में, तो हम ये कैसे माने कि भगवान का रूप नहीं है। लेकिन जो आदि शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, वो अभी भी ये मानते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार है। तो निराकार रूप में वो भगवान का ध्यान करते हैं, योग के द्वारा इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करते हैं। ये प्रक्रिया कठिन है, और इसके द्वारा ये जो आपने दिखा है सामने ब्रह्म ज्योति है,
ये ज्योति भी भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है। जो ये निर्विशेषवादी है वो इस ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पहुंचकर इसमें विलीन होना उनका ध्येय है। और जो साकार रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो भगवत धाम पहुंचना चाहते हैं, भगवान के सानिध्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये दो तरीके, दो मार्ग बताए गए हैं। इसमें जैसे अर्जुन ने पूछा है, जो जो भगवान की साकार रूप में भक्ति कर रहे हैं वो मार्ग सरल है। इसके बाद दिया है इसका दूसरा श्लोक, श्री भगवान वाच वयावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते मे युक्त तमामता। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, जैसे कृष्ण भावना भावित भक्त, और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ने दोनों के लिए पूछा था, तो ये कहा है कि जो साकार रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं, जो समर्पित है उनके चरणों में, और जिन भक्तों का मन हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान का श्रवण करता है, नवधा भक्ति द्वारा भगवान की भक्ति में जो लगे रहते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है कृष्ण भावना भावित भक्त है। जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं, उनका एक एक क्षण भगवान की भक्ति में जाता है, उसके सिवा वो और कुछ नहीं करते, एक एक क्षण भगवान की भक्ति में जाता है। सुबह से रात तक, सुबह 3:30 बजे भक्त उठते हैं, मंगल आरती के बाद भगवान का अभिषेक करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, एक एक छोटी छोटी चीज को सजाने में इनको बहुत समय लगता है, बहुत सुंदर ढंग से ये जो विग्रह है मंदिर में उसका श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवत नाम की चर्चा करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है, जो कुछ करते हैं भगवान की सेवा में करते हैं। भगवान कह रहे हैं, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं ऐसे कृष्ण भावना भावित भक्त, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। वही भगवान कह रहे हैं, वो भक्त सिद्ध है, वो इस बंधन से निकल चुके हैं, वो जन्म मृत्यु के चक्र को ऐसे भक्त पार कर जाएंगे, अंत में भगवत धाम जाएंगे। इसके लिए फिर बताया है तीसरा और चौथे श्लोक के अर्थ में, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को बस में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत, परम सत्य की कौन, भगवान, उनके निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, ये कहा गया है निर्विशेषवादियों के। निर्विशेषवादी जो है अपनी इंद्रियों को बस में करके, मैंने आपको बताया योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हैं, तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य भगवान की निराकार कल्पना के अंतर्गत, वो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार है, उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, निराकार भगवान की पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है और सर्वव्यापी है, जिनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है, भगवान के बारे में कहा है, क्योंकि भगवान का तो सब कुछ दिव्य है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह है, अकल्पनीय है, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, और अचल तथा अद्भुत है, जो साक्षात हैं और ये सत्य हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्विशेषवादी भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं, पर उनका जो ध्येय होता है ब्रह्म ज्योति में तक पहुंचकर उसमें विलीन हो जाना। ब्रह्म ज्योति तक भी वही पहुंच पाता है जो इस कठिन तपस्या को पार कर ले, क्योंकि निराकार भगवान का ध्यान करना और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना ये आसान नहीं है। ब्रह्म ज्योति तक वही पहुंच पाता है जो अपनी तपस्या में सफल हो जाए, और वहां पहुंचकर भी उसको हमेशा डर बना रहता है कि वो फिर से भौतिक जगत में ना गिर जाए। लेकिन वहां पहुंचकर भी जो भक्त
भगवान का ध्यान करने लगता है, भगवान का जप करने लगता है, भगवत भक्ति करने लगता है, ब्रह्म ज्योति में पहुंचकर भी अगर कोई भगवत भक्ति करने लगे तो फिर वो भगवत धाम जा सकता है, नहीं तो वो यही रह जाएगा ब्रह्म ज्योति तक, वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा, ऐसा कहा है। और काफी जो ऐसे भक्त हैं वो पहले निराकार भगवान का ध्यान करते थे, फिर वो भगवान की भक्ति करने लगे। उनमें से एक तो प्रमुख है चार कुमार, ब्रह्मा जी के पुत्र जो छोटे छोटे बच्चे हैं चार कुमार, वो पहले निराकार भगवान का ध्यान करते थे, जब उनको अनुभूति हुई भक्ति मार्ग की फिर वो भगवान के भक्त बने। उसके बाद दिया है इसका पांचवा श्लोक में, क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर दुख देह बुद्धि वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। ये यहाँ भी कहा है कि ये जो दूसरा रास्ता है निर्विशेषवादियों का, यह अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। कौन सा क्षेत्र? वो निराकार भगवान की भक्ति का जो वो है उसके लिए कहा गया है। इसमें बताया गया है कि भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है, इसमें ज्ञान योग तथा भक्ति योग। ज्ञान योग पथ अत्यंत कष्टकारक है, ज्ञान योग का जो पथ है। भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। इसमें कहा है भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, मंदिर में मूर्ति पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कृष्ण भावना मत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा, मात्र भगवान को चढ़ाए गए भोजन को ग्रहण करने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इन तीनों उपायों से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसी प्रकार जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। वैदिक साहित्य से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, इंद्रियतीत अनुभूतियों को समझना होता है, क्योंकि वह अपने मन से भगवान के रूप के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो तो मानते हैं उनका रूप ही नहीं है। अपने मन से उनके रूप को सोचना और फिर उसका ध्यान करना और अपनी इंद्रियों को बस में करना, तो इसलिए कहा है ये जो मार्ग है यह कष्टप्रद है निर्विशेषवादियों का। इसके लिए इसके बाद छठा और सातवें श्लोक का के लिए दिया है इसमें कि ये तु सर्वाणि कर्माणि वैषण्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माध्यायन्तु उपासते तेषां हम समुद्धर्ता मृत्युसागर मृत्यु संसार सागरा भवामिना चिरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यहां भगवान कह रहे हैं उन भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके वह जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं, उनकी खुशी के लिए करते हैं, अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके वह जो भी काम, जैसे मान लीजिए हाथ से कोई काम कर रही है लेकिन उनका मन उनका चित्त भगवान के बारे में सोचता है, भगवान का ध्यान करता रहता है, स्थिर है भगवान की भक्ति में, इसके लिए कहा है निरंतर भगवान का ध्यान करते रहते हैं वो मन में, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ऐसे भाग्यशाली भक्तों के लिए कहा गया है, जो भक्त इतने भाग्यशाली हैं जिनको भगवान जिनका भगवान उद्धार करने वाले हैं, इस भाव बंधन से उन्हें निकालने वाले हैं, उनके लिए कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली,
भगवान इस भवसागर से तुरंत ही उनका उद्धार कर देते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण रूप से भक्त बने। मनुष्य को इसका ऐसा कोई भी कर्म ना करे जो भगवान के लिए नहीं है। हर कार्य केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान से भगवान को प्रसन्न करने के सिवा और कुछ नहीं करता। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट होता है। भक्त को कहा है कि योगाभ्यास द्वारा या अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कहा है भगवान अपने अनुग्रह बस स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ में आकर भक्त को इस भौतिक बंधन से निकाल कर ले जाएंगे अगर वो उनका अनन्य भक्त है। यह दिखाया है एक भवसागर। नीचे भवसागर मतलब आप सोचिए ये भौतिक जगत रूपी सागर जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। ऐसा सोचिए इसमें एक भक्त जो समर्पित है भगवान के चरणों में पूरी तरह उनकी भक्ति कर रहा है। सब कुछ भगवान के लिए उनकी सेवा कर रहा है उनकी भक्ति कर रहा है भगवान की खुशी के लिए सब कुछ कर रहा है। जब कोई ऐसा अनन्य भक्त भगवान का होगा तो भगवान स्वयं आएंगे अपने गरुड़ वाहन में। ये गरुड़ वाहन में आकर अपने भक्त को इस भवसागर से निकाल के ले जाएंगे। ऐसा इस उसमें कहा गया है बसरते भक्त भगवान का परम भक्त अनन्य भक्त हो पूरी तरह समर्पित हो तो वह खुद उसको स्वयं आकर गरुड़ वाहन में आकर अपने भक्त को इस भौतिक बंधन से इस भवसागर से निकाल के ले जाएंगे। के बाद इसका है आठवां श्लोक दिया। मयि एव मन आधस्तो मयि बुद्धि निवेशयः निवश्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। इसमें कहा है अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करो। भगवान कह रहे हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है पूरी तरह भगवान की भक्ति कर रहा है उसके लिए कहा गया है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। ऐसे भक्त का कहा है भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का अनन्य भक्त भगवान में वास करता है। जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते हैं। जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है भगवान का परम भक्त तो भगवान और उनकी शक्तियां उसकी जीभ पर नाचती हैं। जब वो हरे कृष्ण बोलता है तो वो जीभ पर नाचते हैं भगवान और उनकी अंतरंगा शक्तियां। ऐसा कहा गया और जब भक्त भगवान को भोग लगाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और भक्त इस जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वह इन चीजों को नहीं समझ पाता। सच बात है जब तक कोई भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा वो इन चीजों को नहीं समझ पाएगा। सही है। उसके बाद इसका नवा श्लोक दिया है। इसमें कहा है अथ चित्तम समाधातुं न शक्नोषि मय अस्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छप्तान्तु धनंजय मामी छाप तुम धनंजय। हे अर्जुन हे धनंजय यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। अब भगवान ऐसे समझा रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो ये नहीं कर सकते तो ये करो। उसी तरह से कह रहे हैं कि यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। कह रहे हैं कि जो विधि विधान है इस मार्ग के तुम उनका पालन करो। अगर तुम मेरा अपने चित्त में मेरा ध्यान नहीं कर पा रहे हो या तुम भक्ति नहीं कर पा रहे हो तो तुम भक्ति योग के जो भी विधि विधान है उनका पालन करो। इसमें कहा है इसमें कि भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां हैं। पहली विधि तो उनके लिए है
जो भगवत भक्त बन गए हैं, जो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी विधि उनके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की है या जिसमें ये आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई है, उसके लिए कहा है। नाना प्रकार के विधि विधान उनके लिए, जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की इंद्रियां अशुद्ध हैं क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है, लेकिन भक्ति योग का अभ्यास इन इंद्रियों को शुद्ध कर देता है और शुद्ध हो जाने पर परमेश्वर को सीधे संपर्क में आती हैं। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए भक्त को सुविज्ञ गुरु के निर्देशन की आवश्यकता होती है, गुरु की कृपा से ही, और जो कि हमें सब नियमों का पालन करना बताते हैं, जैसे सुबह बहुत जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त होता है 5 से 6 बजे का टाइम, 4 से 5 बजे का टाइम और भी उत्तम है, वो है अमृत वेला, उसको अमृत वेला कहते हैं। जल्दी उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, फूल लाना, भगवान के लिए भोजन बनाना, ये सब चीजें जो है ये छोटी छोटी सेवा है भगवान की, इनको करते हुए भक्त के जो व्यक्ति है उसके मन में भक्ति भगवान की भक्ति के लिए जिज्ञासा होगी, वो और कुछ भगवान के बारे में जानना चाहेगा। तो कहा है कि अगर वो भक्त नहीं बना है, उसका चित्त भगवान की भक्ति में अभी नहीं लगा है, तो वो इन छोटी छोटी सेवाओं से आरंभ करे। छोटी छोटी सेवाएं जो है बुनियादी सेवाएं, इनसे प्रारंभ करे, ऐसा भगवान ने कहा है। इसके बाद इसका 10वें श्लोक में कहा है, अभ्यास अपयस असमर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थ वापि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, अगर तुम ये छोटी छोटी बुनियादी जो सेवाएं हैं इनको भी नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, काम करो मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगी। भगवान इसे कहा है इसमें 10वें श्लोक में कि मनुष्य में कृष्ण भावना के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण भावना मत का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है। अगर कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्यों में सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि पूंजी संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह व्यक्ति मंदिर निर्माण या प्रकाशन में सहायता कर सकता। यदि कोई अपने कर्म फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना में के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकता है। वो या तो भक्तों को सहायता करे, अगर वो छोटे छोटे बुनियादी सेवा भी नहीं कर पा रहा है तो जो भक्त भगवत नाम का प्रचार कर रहे हैं उनको मदद करे, उनकी सहायता करे, ऐसा इसमें कहा गया है। और अपने जो कर्म फल है, जो कार्य वो कर रहे हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा भगवान की सेवा में लगाए, उससे जैसे कहीं मंदिर बन रहा है उसमें मदद करे, या प्रकाशन जहाँ इतनी किताबें छपती हैं, भगवद गीता, भागवतम, धार्मिक पुस्तक है, उसमें भी मदद कर सकते हैं। ऐसे इसमें समझाया गया है, जैसे एक व्यक्ति है, ये भगवत भक्ति के बुनियादी चीजें भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये भगवान के लिए कार्य कर रहा है, भगवान का मंदिर बन रहा है, ये उसमें सहायता कर रहा है, उसमें अपने हाथों से उसमें काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, ऐसे दिखाया गया। इसके बाद दिया है इसका ये ये एक श्लोक आया है 9वें अध्याय से कि ये यत करोसी यत स्नासी यज होसी ददासी यत यत पश्यसी कौन्तेय तत पुरुष समर्पण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो।
यहाँ भगवान ने पहले नवे अध्याय में भी कहा था कि तुम जो कुछ करते हो वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे मनुष्य को भोजन करना है, बिना भोजन के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है, तो उस भोजन को शुद्ध शाकाहारी भोग बनाकर पहले भगवान को अर्पण करके फिर ग्रहण करो, ऐसा कहा है। और भगवान को अर्पित भोजन ग्रहण करो। उसके बाद दान का सवाल आता है। भगवत भक्तों को जो प्रचार कर रहे हैं भगवत नाम का, उनको दान करो। दान हमेशा सुपात्र को करना चाहिए। अगर हम गलत व्यक्ति को दान करते हैं, वो व्यक्ति उस पैसे से जुआ खेलता है, नशा करता है या और कोई गलत काम करता है, तो उसका 50% पाप उनको भी लगता है। इसलिए कहा है दान हमेशा सुपात्र को देख सुन के करना चाहिए। जैसे भगवत भक्त, वो जो उनको हम अगर दान करेंगे तो वो भगवान के ही काम आएगा, भगवान की सेवा में जाएगा। हमेशा दान करते समय ये ध्यान रखिए कि जो पैसा आप दान कर रहे हैं वो भगवान के काम में आए, उसका कोई गलत उपयोग ना करिए। इसलिए कहा गया है हमेशा सुपात्र को दान करना चाहिए। उसके बाद कहा है जो भी तपस्या करते उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जो भी तुम करते हो वो सब भगवान को अर्पित करते हुए करो, ऐसे इसमें कहा गया है। और जो हमेशा भगवत नाम का जप करता है उसमें कहा है कि वो महानतम योगी है, जो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का या भगवत नाम का जप करता है। उसके बाद इसको फिर दिया है इसका 11वां श्लोक में, अथ तत्वशक्तो असि कर्तुं मघोगमाशितः सर्व कर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान। अगर कहा है हालांकि आप इस चेतना में काम करने में असमर्थ हैं, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो इसमें कहा है अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसके फल को या उसके परिणाम को त्याग दी। त्यागने का मतलब है उस कार्य से मिलने वाले फल को या उस कार्य से होने वाले परिणाम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। आत्मस्थित होने की कोशिश करें। इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति सामाजिक या पारिवारिक या धार्मिक कारणों से कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति न दिखा पा रहा, तो उसे चाहिए कि वह प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों से अपने को जोड़ ले। तो हो सकता है कि परिवार के लोग विरोध करें या कोई और कठिनाई आ जाए। उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों से संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगाए। अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य अपने मन को स्वच्छ बनाता है। बिना फल की इच्छा के अगर हम हर कार्य करते हैं तो हमारा मन स्वच्छ होता है, क्योंकि हम उस फल की इच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं, बिना फल की इच्छा के कार्य कर रहे हैं। इसमें कहा है और इस निर्मल मन स्थिति में जब मन स्वच्छ हो जाता है तो वह कृष्ण भावना को समझने में समर्थ होता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल करने वाला है। जैसे हमारे मन में राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, तो ये कलमश कहते हैं इसको, मैल। ये कलमश है हमारे मन में, ये कैसे धुलेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवत नाम का जप करेंगे, भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे सुनेंगे। मतलब है धीरे धीरे जैसे हम भगवान की भक्ति की राह में आगे बढ़ेंगे तो हमारे मन का यह कलमश धुल जाएगा, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। जब यह मन शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवत भक्ति की राह में और आगे बढ़ेंगे। और इसमें कहा है स्थिति, मन स्थिति, इसमें कहा है कृष्ण भावना मत को समझने में समर्थ होंगे, भगवान के बारे में समझने में, कृष्ण भावना को समझने में हम समर्थ होंगे और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। इसलिए मन अगर हमारा शुद्ध हो जाए तो फिर हम इन भगवान के बारे में, भगवान की चीजों को, भगवान की भक्ति को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है
हमारा मन हमें इंद्र तृप्ति की ओर ही ले जाएगा और तब हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद इसका ये 12वां श्लोक दिया है। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागाश शांति अनंतरम। इसमें कहा है यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें। ज्ञान मतलब शास्त्रों को पढ़ के इससे भगवान के बारे में जानने की कोशिश करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है। ध्यान से भगवान को जानना ज्ञान से जानने से अच्छा है और ध्यान से बेहतर है काम के फल का त्याग। ध्यान से भी उत्तम है कर्म फल त्याग। इस तरह के त्याग से मन की शांति मिल सकती है ऐसा इसमें कहा है। इसमें दिखाया है ज्ञान के द्वारा और ध्यान के द्वारा और अंत है कर्म फल त्याग। तो इसमें ऐसे सुंदर ढंग से समझाया गया है कि शास्त्रों को पढ़ के भगवान के बारे में हम जानते हैं। जैसे भगवत गीता भागवतम या अन्य ऐसे ही शास्त्रों को पढ़ के हम ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। दूसरा ध्यान के द्वारा आप देख रहे हैं ये ज्ञान के द्वारा ज्ञान के अनुशीलन से और यहाँ ध्यान के द्वारा और अंत है ये कर्म फल त्याग। इन दोनों में ये सबसे ऊपर है अपने कर्म फल का त्याग कर देना। यह सबसे ऊपर है। इसमें कहा गया है कि दो प्रकार है इसके भक्ति के विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। एक तो विधि विधानों को मानते हुए आगे बढ़ना है दूसरा भगवान की निरंतर भक्ति ऐसे बताया गया है। और कृष्ण भावना के नियमों का पालन नहीं कर सकता जो उसके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। यही ज्ञान ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से परमेश्वर को समझा जा सकता है। प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था आती है। अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। इसमें कहा है भगवत भक्ति की अवस्था। जैसे ये तो आया आपका ज्ञान के द्वारा शास्त्रों को पढ़ने की समझ के उसके द्वारा और ये ध्यान के द्वारा इससे ये श्रेष्ठ है ध्यान के द्वारा। इसके बाद आता है कर्म फल त्याग ये सबसे ऊपर है। इसके लिए मैं आपको सुनाती हूँ कि एक ये जो महिला है स्त्री है ये रोज एक फल की टोकरी लेकर माँ यशोदा के दरवाजे पर आती थी और फल बेचने के लिए आप जैसे सोचे आती थी और माँ यशोदा इससे फल लेके इसको अनाज देती। ये इनका रोज का काम था। रोज फल की टोकरी लेके आती थी और यहाँ से अनाज लेकर जाती थी। पहले जमाने में ऐसा होता था कोई भी सामान लिया किसी से उसको अनाज दे दिया ऐसा। तो ये रोज यहाँ से अनाज लेकर जाती। एक दिन ये आई इसने कई बार आवाज लगाई पर माँ यशोदा बाहर नहीं आ पाई। तो भगवान कृष्ण आए बाहर आए इसके पास तक पहुंचे तो उनको देखकर ये महिला इतनी विभोर हो गई कि ये भूल गई कि ये यहाँ किस काम के लिए आई। उसको कोई भान नहीं है कि वो फल बेचने आई है या उसे अनाज लेकर जाना है। उसे कतई कोई इतनी खुश हो गई उनको देखकर। और जब भगवान उसके पास पहुंचे तो उनके छोटे छोटे हाथ आप देख रहे हैं ना छोटे हाथ उनकी गोदी में जितने फल आ सकते थे अच्छे अच्छे वो इसने सब पकड़ाए उनको जितने आ सकते थे और खुशी से विभोर है। उसको कुछ मतलब नहीं है वो क्यों आई है उसको ये भी ध्यान नहीं है। उनको फल पकड़ाए इसने खूब सारे जितने वो पकड़ सकते थे छोटी सी गोदी में और भगवान अंदर चले गए। तो फिर भगवान ने सोचा कि इस जब माँ इससे फल लेती है तो इसको अनाज देती है। भगवान ने क्या किया अपने छोटे छोटे हाथ अनाज के बर्तन में डाले और उनमें अनाज उठाया और बाहर आने तक जो हाथ में अनाज लाए थे वो भी थोड़ा 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 गिरता गया। जब तक वो ये फल वाली के पास पहुंचे उनके हाथ में कुछ दाने बच गए थे सब गिरते गए। वही हाथ इन्होंने इसकी टोकरी में झाड़ दिए फल वाली की टोकरी में जो भी था हाथ में वो झाड़ दिया फल वाली की टोकरी में। लेकिन फल वाली को कोई वो नहीं है उसे कुछ नहीं चाहिए वो इतनी खुश है। इसको कहते हैं कर्म फल त्यागा। तो और उसने अपनी टोकरी उठाई
खुशी खुशी वहां से चली गई फल वाली और घर पहुंची। घर पहुंच के जैसे ही उसने अपने सिर से टोकरी उठाई तो उसको लगा ये टोकरी भारी क्यों हो रही है। नीचे उतारा तो अब देखिए उसकी टोकरी ये हीरे जवाहरात से भरी हुई है, क्योंकि भगवान ने जो अपने हाथ झाड़ दिए थे ना उसमें, उसका ये परिणाम है। उसमें कहा है देखिए, उसके बाद बताया है यहाँ ये कि भगवान अब अपने भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कह रहे हैं अपने भक्तों के बारे में, भगवान कह रहे हैं मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, जो शुद्ध है, शुद्ध रखता है अपने को आंतरिक बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से भगवत भक्ति के द्वारा, बाह्य रूप से स्नान और दुले वस्त्र, जो दक्ष है अपने कार्य में, चिंता रहित है जिसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, क्योंकि भक्त को तो कोई चिंता नहीं रहती, उसके मन में तो ये है कि बस भगवान है, उसे किस बात की चिंता, किसी बात की चिंता नहीं रहती उसको, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में लगा रहता है, समस्त कष्टों से रहित है और ना ही भगवान के परम भक्त को कोई कष्ट सताता है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसको किसी भी कार्य का फल नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ भक्ति कर रहा है बस। और उसको कहा है मुझे अतिशय प्रिय है, जो मेरा ऐसा भक्त है वो मुझे अतिशय प्रिय है। भक्त की जब बात आती है तो यहाँ सुदामा का जिक्र आता है। सुदामा भगवान के भक्त, सुदामा भगवान के सखा भी रह चुके हैं पहले गुरुकुल में, भगवान कृष्ण बलराम सुदामा भी थे वहां। तो सुदामा की पत्नी, ये लोग बहुत गरीब, सर्दी का समय है, इनके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है और जो झोपड़ी है जिसमें ये रहती हैं वो भी टूटी हुई है, टूटी झोपड़ी यहाँ दिखाई है। तो सुदामा की पत्नी को पता लगा कि भगवान कृष्ण सुदामा के मित्र रहे हैं, सुदामा के सखा रहे हैं, तो वो इनको कहती है द्वारिका जाकर एक बार अपने मित्र को मिलो। कई बार समझाती है पर सुदामा मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं, वो और हमेशा उनकी भक्ति में रहते हैं, हमेशा भगवान का नाम उनके हृदय में रहता है। तो वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, शिक्षक हो सगरे जग को, तिये ताहे को काहे तू देती है शिक्षा, जे तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति की तिनको नहीं इच्छा, मेरे ही ये हरि के पद पंकज, बार हजार ले देख परीक्षा। सुदामा अपनी पत्नी को कह रहे हैं, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है, शास्त्रों को पढ़े हैं, ज्ञान है, तो कह रहे हैं मैं तो शिक्षक हूँ, सबको समझाऊंगा, लेकिन तू मुझे क्यों शिक्षा दे रही। फिर कह रहे हैं कि ये जो तप के परलोक सुधारत, जो तपस्या करके भगवान की भक्ति करके अपना दूसरा लोक सुधारना चाहते हैं, उनको संपत्ति की इच्छा नहीं है, उनको संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है, और मेरे हृदय में भगवान के चरण है, मैं हमेशा उनके चरणों का ध्यान करता हूँ, भले ही तू 12,000 बार परीक्षा लेके देख ले। कह रहे हैं और न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि पगली, और को धन चाहिए, और लोगों को धन चाहिए, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा, भिक्षा में जो उसको मिल जाए वही काफी है। तो उनकी पत्नी जो ठंड में, ठंड से परेशान है, वो कहती है शीश व्यतीत भयो शिशियाते, हाँ हटती पे तुम्हें न हटोती, ठंड तो शीशी करके निकल गई है। जो ये इस तरह के लोग हैं उनको पता है ठंड कितनी होती है, तो और मुंह से बहुत ठंड है तो मुंह से खुद ब खुद आवाज निकलती है, तो वही ये कह रही है कि शीत तो ठंड तो शीशी करते निकल गई और आप आग सेक रहे हो, मैं हट के सब काम कर रही हूँ ठंड में, पर आपको हटने के लिए नहीं कह रही। जो जन तीन हिते हरिशो, प्रिय द्वारिका काहे को पेली पटौती, अगर मैं ये नहीं जानती कि भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं तो मैं आपको कभी द्वारिका जाने के लिए नहीं कहती। और कहती है को दो सवा जुर तो भर पेट,
तो चाहती ना दधी दूध मिठौती, कह रही है कि मोटा अनाज, कोदो सवा, ज्वार बाजरा, इस तरह का मोटा अनाज अगर पेट में होता तो मैं तुमसे कोई दूध दही या मिष्ठान नहीं मांग रही हूँ, वही हमको पर्याप्त नहीं है। तो कई तरह से वो सुदामा को समझाती है कि एक बार जाकर अपने मित्र को मिलो। अंत में सुदामा मान जाती और कहते हैं, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ तो खाली हाथ नहीं जा सकता, इनके पास तो कुछ भी नहीं है ले जाने को। तो ये क्या करती है सुदामा की पत्नी, अगल बगल से एक एक दो दो मुट्ठी चावल इकट्ठा करके एक पोटली सुदामा को दे देती है। ये तब की बात है जब भगवान द्वारिका में थे 5,000 साल पहले। उस समय आने जाने का कोई साधन भी नहीं था, पैदल जाना पड़ता था या ज्यादातर घोड़ा गाड़ी ये सब। तो सुदामा पैदल चल दिए द्वारिका के लिए और काफी समय उनको लगा द्वारिका पहुंचे। और जब वो वहां पहुंचे, वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित रह गए सुदामा द्वारिका, क्योंकि वहां तो भगवान का घर था। फिर वो द्वारपाल के पास पहुंचे तो कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो द्वारपाल सुदामा को वहीं खड़ा करके भगवान के पास गया। उसने जो वर्णन किया भगवान को वो आपको बताती हूँ। शीश पगा न जगा तन में, प्रभु आने को जाए बसो के ही ग्रामा। कोई पता नहीं किस गांव से एक व्यक्ति आया है, उसके सिर में पगड़ी नहीं है और अच्छे कपड़े नहीं है जगतन में। प्रभु पता नहीं वो किस गांव से आया है, धोती पट्टी सी लटी दुपटी और पायन को न उपान श्यामा। उसकी धोती पट्टी है उसमें सिलवटे हैं, हाँ, और उसी को ओढ़े हुए है, और उसके पैरों में न जूता है न चप्पल है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा विरामा। दरवाजे पर एक ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है जो आपके ऐश्वर्य को देखकर आश्चर्यचकित है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। वह आपके धाम को पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। इतना सुनना था कि भगवान स्वयं दौड़ पड़े सुदामा को अंदर लेने और उसको अपने महल में लेके गए। वो जहां देखे रुक्मिणी जी उनको चबर टुला रही है, अंदर ले गए और सुदामा की दशा देखकर भगवान को बहुत दुख हुआ। और उनके जो पैर, क्योंकि सुदामा ब्राह्मण है इसलिए भगवान उनके पैर धोने चाहे, पैर धोने के लिए जो पानी आया था ना उससे न धोकर भगवान के आंख से आंसू निकले सुदामा की दशा देखकर। क्या कहा है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने अपने आंसुओं से उनके चरण धो दिए। और इसके बाद सुदामा कुछ दिन रहे भगवान के पास। उसके बाद और ये चावल की पोटली जो देख रहे हैं ना, वो सुदामा ने छुपा ली। जब भगवान का ये सब ऐश्वर्य सब देखकर उनको शर्म आई कि मैं ये दो मुट्ठी चावल उनको कैसे दूंगा, छुपा लिए। लेकिन भगवान ने देख लिया और छीन लिया उनसे वो चावल की पोटली छीन ली। और उसके बाद कुछ समय यहाँ रहकर वो आ गए, लौट गए। और लौटते वो सोच रहे थे, क्योंकि इस बीच में इस बारे में या भगवान की या सुदामा की दशा के बारे में इससे भगवान से कोई बात नहीं। तो जब वो लौट रहे थे, सुदामा ने मन में सोचा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान की भक्ति के सिवा, मेरी कोई इच्छा नहीं। लेकिन अगर आप पत्नी मेरे से पूछेगी जाकर तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, ऐसा सोच रहे थे। और वो अपने घर पहुंचे, पहुंचे तो जैसे ही वो आने लगे घर की तरफ, वो वहां से लौटे, कहते मैं तो सोच सोच में दोबारा द्वारिका आ गया हूँ, क्योंकि भगवान ने इनके वहां पहुंचने से पहले वहां का सब कुछ बदल दिया। इनकी टूटी झोपड़ी की जगह भव्य महल खड़ा था सुदामा का, तो उनको लगा मैं दोबारा द्वारिका आ गया हूँ। लौटने लगे तो उनकी पत्नी ने देखा, ऊपर से बाहर आई। सुदामा ने अपनी पत्नी को नहीं पहचाना, क्योंकि जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं थे वो सुंदर रेशमी वस्त्र पहनी हुई थी और सोने के गहने पहने हुई थी, उन्होंने नहीं पहचाना अपनी पत्नी को। पूछा, आप कौन है? तब उनकी पत्नी ने बताया और उन्हें अपने साथ अंदर ले गई। अब इन्हीं की नहीं, इन्हीं की दशा नहीं, जिन जिन से उसकी उनकी सुदामा की पत्नी ने चावल इकट्ठे किए थे उन सबकी दशा भगवान ने बदल दी थी सुदामा के आने तक। तो ये इसमें इस तरह ये भक्त के बारे में ऐसे बताया गया है। सॉरी सॉरी सॉरी
तो इसमें फिर कहा है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो भगवान का भक्त किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। क्योंकि जो भक्त है उसमें तो सहन शक्ति होती है, उसमें तो संयम होता है और वो सबको एक समान समझता है, उसका कोई बैरी नहीं होता, सब उसके मित्र होते हैं। जो अपने को स्वामी नहीं मानता, दासानुदास मानता है, भगवान के दासों का भी दास मानता है अपने को, स्वामी नहीं, और मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता है। जो सुख दुख में संभाव रखता है, उसके लिए सुख हो तो खुशी से उछलता नहीं, दुख हो तो वो रोता नहीं, एक ही बात एक सा समझता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, हमेशा खुश रहता है और संतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, उसमें संयम आ जाता है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, एक दृढ़ संकल्प के साथ भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा भक्त है जिसमें ये गुण है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके बाद इसके 15वें श्लोक का अर्थ दिया है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। भगवान का भक्त कभी किसी को कष्ट नहीं देता है, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, ऐसा भक्त जिसका ध्यान भगवान के चरणों में है, जो भगवत भक्ति में है, उसे कोई कितनी कोशिश करे उस पद से विचलित नहीं कर सकता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, सुख हो या दुख हो, भय हो या चिंता हो, वो सब उसके लिए एक समान है, संभाव है सब, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके बाद दिया है इसका 17वां श्लोक, जो न कभी हर्षित होता है, वो ज्यादा खुश नहीं होता है भले ही खुशी का कोई प्रसंग हो, न शोक करता है, और शोक की बात है तो वो रोता नहीं है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, किसी चीज की कोई इच्छा नहीं करता है, और न ही कोई वस्तु प्राप्त न होने पर उसे कोई पछतावा होता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। जो भौतिक जो वस्तुएं हैं वो शुभ हो या अशुभ हो, वो दोनों प्रकार की ऐसी वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ भक्त की बात आई है तो प्रहलाद महाराज को दिखाया गया है। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त थे, भगवान के बचपन से भगवान के भक्त थे। इनके पिता ने हिरण्यकश्यप ने इनको तरह तरह से मारना चाहा, हर प्रकार से मारना चाहा, जहर दिया, ये देखिए हाथी के पैर के नीचे को चलने के लिए, सांप से कटवाया, पहाड़ से फेंका, खौलते तेल की कढ़ाई में रखा, होलिका के साथ अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन हिरण्यकश्यप इनका बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, अनन्य भक्त। भगवान अपने भक्त की हर हालत में हिफाजत करते हैं, हमेशा रक्षा करते हैं उसके लिए। और फिर दिया इसका ये 19वां श्लोक, इसमें 19वें श्लोक का 18-19 श्लोक का अर्थ दिया है, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है। क्योंकि भगवत भक्त जो ऐसे भक्त हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता, उनके सब मित्र होते हैं और वह सबके साथ मित्रों का सा व्यवहार करते हैं। जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखते, कोई उनका सम्मान करे या कोई अपमान करे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंड हो या गर्मी हो तब भी वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख तथा दुख, सुख हो या दुख हो, यश तथा अपयश, कोई उनके यश दे या उनका उनकी बदनामी करे, वो सब में संभाव रखते हैं। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहते हैं, दूषित संगति का मतलब है नास्तिक, उस संगति से वो अलग रहते हैं। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं, मौन का अर्थ है कि जो भगवत भक्त हैं वो कम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भगवान के बारे में बोलते हैं, और ग्राम्य कथाएं जो हो रही हैं उनमें कभी भाग नहीं लेते हैं, जैसे 8-10 लोग बैठ के वो इधर उधर की जो बातें हो रही होती हैं उनके साथ में भगवान भक्त कभी नहीं बैठेगा, उसको ग्राम्य कथा कहा जाता है। इसमें कहा और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। जो किसी प्रकार के
घर बार की परवाह नहीं करते, वो महल में रहे या पेड़ के नीचे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, जो ज्ञानी है और भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं पूरी तरह से, ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ऐसे जो भक्त हैं मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ एक और दृष्टांत दिया है, ये है वो दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं और बिना सोचे समझे श्राप दे देते। ये इनका ये पहले से इनका ये स्वभाव है। तो ये है राजा अम्बरीश। ये राजा अम्बरीश है, सम्राट हैं और वैसे ही भगवत भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं राजा अम्बरीश। तो जो एकादशी के दिन के बाद जो द्वादशी का दिन होता है ना, सुबह जिसमें व्रत खोलने का समय होता है, व्रत के पारायण का समय होता है, उस समय के अंदर व्रत तोड़ना होता है। तो दुर्वासा मुनि ठीक उसी समय पहुंचे तो राजा अम्बरीश को खुशी हुई। उन्होंने कहा अब हम साथ में व्रत तोड़ेंगे। तो लेकिन दुर्वासा मुनि ने बोला कि मैं पहले स्नान करके आता। स्नान करके आने में उन्होंने देर कर दी थोड़ा, और जो व्रत का समय है समाप्त होने को है, व्रत तोड़ने का समय समाप्त होने का है। तो राजा अम्बरीश को समझ नहीं आया वो क्या करे। अतिथि से पहले भोजन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके अतिथि है, और उस समय के अंदर वो व्रत नहीं तोड़ेंगे तो उनका व्रत पूरे दिन का किया गया व्रत विफल हो जाएगा। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तो जो उनके ये लोग थे राज्य अपने मंत्रीगण, ये उनको पूछा कि वो क्या करे। तो सबने बोला कि क्योंकि राजा अम्बरीश ने निर्जला व्रत किया है, जब निर्जला व्रत किया हो तो पानी पी के ही भी व्रत टूट जाता है, और जब फलाहार की है तो फिर अनाज खा के व्रत टूटता है। तो सबने कहा आपने निर्जला व्रत किया है, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इससे आपका व्रत भी बच जाएगा और अतिथि के सत्कार में भी कोई विघ्न नहीं आएगा, क्योंकि भोजन आप उनके साथ करें। वही किया उन्होंने, राजा अम्बरीश ने थोड़ा सा जल पिया, जैसे ही उन्होंने जल पिया दुर्वासा आ गए और गुस्से में आग बबूला, उनको मारने दौड़े राजा अम्बरीश को मारने के लिए। तो जब उनको मारने के लिए दौड़े तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया दुर्वासा को मारने के लिए, क्योंकि वो भगवान के अनन्य भक्त थे ये अम्बरीश, राजा अम्बरीश, और उनको ये मारने जा रहे थे दुर्वासा मुनि। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब आगे आगे दुर्वासा भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भाग रहे हैं, क्योंकि ये ऋषिगण कुछ इतने शक्तिशाली थे, ये सब जगह आ जा सकते थे, इनको ऐसी शक्तियां थी। तो ये शिव जी के पास गए, मुझे बचाओ। शिव जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये भगवान के पास गया, तो भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम वापिस जाओ, राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो, अगर वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन चक्र तुमको छोड़ देगा, नहीं तो सुदर्शन चक्र तुमको मार देगा। तो ये लौट कर फिर वही आए, राजा अम्बरीश के पास आए और उनसे इन्होंने क्षमा मांगी, और फिर सुदर्शन चक्र भगवान के पास वापिस लौटा, और दोनों ने फिर साथ में भोजन करके व्रत तोड़ा। तो इनके लिए काफी कहानियां हैं इनकी, दुर्वासा मुनि की, ये श्राप देने के लिए। राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में आपको बताती हूँ। शकुंतला अप्सरा पुत्री थी, मेनका की पुत्री थी शकुंतला, अति सुंदर। तो राजा दुष्यंत एक बार उस आश्रम की तरफ गए, क्योंकि वो आश्रम में रहते थे सब ऋषि, क्योंकि वो ऋषि मुनियों के आश्रम। तो गए तो उन्होंने शकुंतला को देखा, अति सुंदर, क्योंकि वो मेनका की पुत्री थी शकुंतला। तो राजा दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया और अपने राज्य में लौट गए, उस दिन रहकर अपने राज्य में लौट गए। इसके थोड़े दिन बाद दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने दो तीन आवाज लगाई शकुंतला। तो वो राजा दुष्यंत के बारे में कुछ सोच रही थी, तो उसने नहीं सुना, फटाक से उसको श्राप दे दिया कि जिसके ध्यान में तू खोई है वो तुझे भूल जाएगा। जैसे इन्होंने श्राप दिया, सब लोगों ने कहा इनको कि आपने ये क्या कर दिया, अभी तो उसकी शादी हुई है और राजा अपने राज्य में चला गया है, अगर वो इसको भूल गया तो फिर इन्होंने कहा कि अब श्राप तो दे दिया है, उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, राजा की कोई वस्तु अगर इसके पास है
शकुंतला के पास, तो उसको देख के राजा फिर इसको उनको याद आ जाएगी राजा, तो ये सब करके क्योंकि आश्रम के लोगों को चिंता हो गई, वो शकुंतला को लेकर राजा के पास गए दुष्यंत, राजा दुष्यंत के राज्य में गए वहां शकुंतला को छोड़ने के लिए। तो शकुंतला के पास और तो कुछ नहीं था, राजा दुष्यंत की दी हुई एक रिंग थी जिसमें राजा दुष्यंत का नाम अंकित था, तो वो रिंग थी, तो सबने सोचा ये रिंग देख के वो इसको पहचान जाएंगे, तो गए वहां। लेकिन रास्ते में वो पानी पीने में वो रिंग भी नदी में बह, उसके पास फिर कुछ नहीं था राजा का दिया। तो जब ये आश्रम के लोग और शकुंतला राजा के पास पहुंचे तो राजा ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि दुर्भाषा का श्राप था। सब लोग निराश होकर आश्रम लौट आए, वहां शकुंतला एक पुत्र को जन्म दिया भरत, जिसका नाम था बहुत ही वीर, बहुत ही सुंदर, तो पुत्र को जन्म दिया। पर बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो जो अंगूठी थी, रिंग थी, वो एक मछली ने निगल ली, मछली के पेट में चली गई। एक मछुआरा जब मछलियां लेके आया, उसने एक मछली काटी तो उसके अंदर पेट में उसको वो राजा के नाम अंकित रिंग मिली जिसमें राजा दुष्यंत का नाम लिखा था। वो भागा राजा के पास वो अंगूठी लेकर, तो तब वो अंगूठी देखते ही राजा को फिर याद आया सब कुछ, और फिर वो आश्रम गए शकुंतला को और अपने पुत्र को लेकर अपने राज्य में वापिस लाए। तो दुर्वासा मुनि जो है बिना सोचे समझे श्राप देने के लिए प्रसिद्ध है, कई घटनाएं हैं ऐसी इनके बारे में। इसके बाद एक यहाँ और है, ये 20वां श्लोक है, आखिरी श्लोक है इसका। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तं पर्युपास्यते श्रद्धाना मत परम भक्ता अतीव मे प्रिय। इसमें कहा है जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं या जो भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो महान भक्त हुए हैं, योगी हुए हैं, उनके पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं और भगवान को ही अपना लक्ष्य सम मानकर और भगवत भक्ति प्राप्त करने का एक दृढ़ संकल्प करके श्रद्धा के साथ पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं भगवत भक्ति में, हमेशा भगवान की भक्ति करते रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं जो समर्पित है भगवान को। कहा है कि ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं, उसके लिए कहा है भक्तों के लिए पूरी तरह से जो समर्पित हैं और अनन्य भक्त बन गए हैं भगवान के। इसमें कहा है और भक्ति के अमर पथ का अनुसरण कर रहे हैं और मुझे अपने भगवान को अपना लक्ष्य बनाकर भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धा के साथ पूर्ण रूप से संलग्न है इसमें लगे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं ऐसे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। और यहाँ एक और चीज आपको बताती हूँ, बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में। ये देखिए कीर्तन कर रहे हैं और भगवान बैठ के उसके कीर्तन सुन रहे हैं। बिल्व मंगल ठाकुर पहले भक्त नहीं थे, बल्कि ये एक वैश्य के पास जाते थे रोज। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत खराब मौसम था और उसी दिन इनके पिता की मृत्यु हुई थी। तो वो जो वैश्या से उसने सोचा वो आज तो नहीं आएगा, तो उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन ये फिर भी पहुंच गए। इतना खराब मौसम होने के बावजूद, पिता की मृत्यु के बावजूद ये वहां पहुंच गए और इन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उस औरत ने इनको कहा कि अगर ऐसी प्रीति आपने भगवान से की होती तो, ये इनको महसूस हुआ और ये वहां से चले। तो बाद में इनको एक कोई सुंदर स्त्री जाती हुई दिखी, काफी दूर तक उसके पीछे पीछे भी चल दी। तो फिर इनको लगा, इन्होंने क्या किया, किसी से एक पिन मांगा, अपनी दोनों आंखें खुद फोड़ दी बिल्व मंगल ठाकुर ने, ताकि ना वो कुछ ऐसी चीजें देखे और ना उनके पीछे जाए या आकर्षित हो। तो आंखें फोड़ दी खुद अपनी दोनों और ये वृंदावन आ गए। वहां ये भगवान के कीर्तन करते थे, भगवान के भजन करते थे। धीरे धीरे ऐसे भक्त बने भगवान के, ये भजन गा रहे हैं और भगवान बैठ के उनके पास में सुन रहे हैं। मतलब इतनी तक सिद्धि प्राप्त की इन्होंने भगवत भक्ति में, पूरी तरह से समर्पित हो गए भगवान के चरणों में। और ये देखिए ना कि कैसा दृश्य है,
ये गा रहे हैं और भगवान बैठ के सुन रहे हैं भजन, तो ये फिर भजन करते थे वहां वृंदावन। इसके बाद प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं इस अध्याय में। परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वो अत्यंत हृदयगामी है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कृपया जिसको प्रश्न है प्लीज अपना डिजिटल हैंड रेज करिए। हरे कृष्णा कृष्णन प्रभु प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। चरण स्पर्श आपका आशीर्वाद चाहिए माता जी मेरे भक्ति योग के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। जी प्रभु जी आप अवश्य आगे बढ़ेंगे जी। बोलिए बोलिए प्रभु जी क्या पूछना है। मेरे मन में एक दुविधा आ रही थी क्या हम जैसे भक्ति योग में अगर करें और साथ साथ अगर मानिए जैसे अष्टांग योग का जो आसन की जो जो प्रथा बताई है जैसे पद्मासन हो गया या और भी आसन लगा के और आसनों के लिए अगर ओला अष्टांग योग यूज करें और बाकी भक्ति मार्ग क्या इन दोनों को मिश्रण करके कर सकते हैं। प्रभु जी असल में क्या है कि जो हम ये साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं ना उसके लिए कोई भी ये योग की या अष्टांग योग की इसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें करते हैं लोग अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए। यही होता है ना कि हम अपने मन को बस में करें, हम इसको बस में करें, हम ऐसे योग करें तो हमारा ये बस में होगा। इस तरह से जो धारणाएं हैं ना वो निराकार रूप में जब भगवान की भक्ति की जाती है वो लोग करते हैं, लेकिन जब हम साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं तो हम धीरे धीरे जैसे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाती हैं या दब जाती हैं। तो उसके लिए हमें योग का या अष्टांग योग का या कृत्रिम साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर आप अपने स्वास्थ्य के उससे अपने को फिट रखने के लिए आप प्राणायाम करते हैं योग करते हैं अपने शारीरिक कसरत ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। अपने को फिट रखना जी अपने को फिट रखना बहुत अच्छी बात है तभी आप भक्ति भी अच्छी तरह से कर सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे। लेकिन वो निर्विशेष वादियों की तरह से भगवान का ध्यान करना घंटों और ये योग के द्वारा उनकी भक्ति करना ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है ये मेरा समझाने का मतलब। जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे उसमें षटकर्म वगैरह बताया जैसे पतंजलि ऋषि ने तो षटकर्म कर सकते हैं ना उसमें जैसे षटकर्म। मुझे अपने को स्वस्थ रखने के लिए आप कोई भी तरीका कीजिए कोई भी व्यायाम कीजिए कोई भी शारीरिक कसरत कीजिए वो बात नहीं है। और भक्ति के लिए अपनी इंद्रियों को बस में करने के लिए हमें कृत्रिम साधनों को अपनाने की आवश्यकता नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रणाली आचार्य जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोले बोले। अच्छा माता जी जैसे हमेशा हम यही सुनते हैं और जब हम गीता पाठ भी करते हैं तो हमें हमेशा यही मतलब सिखाया जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हमेशा नियंत्रित में रखना चाहिए और हमेशा इन सब मतलब इंद्रियों को कंट्रोल में करके ही हम कुछ भी कर सकते हैं मतलब अपना रेगुलर कार्य। पर मेरा हमेशा से सिर्फ एक ही डाउट रहता था कि ये जो ऋषि मुनि जैसे आपने दुर्वासा ऋषि का वो बताया स्टोरी बताया कि ये लोग भी तो बहुत भगवत भक्ति करते थे इतने बड़े बड़े भक्त थे फिर इन लोगों में इतना क्रोध क्यों आता था ये लोग क्रोध को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते थे फिर तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं हम तो एकदम
मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? हमें कंट्रोल करने के लिए माता जी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना, तो ये चीजें स्वतः ही कंट्रोल में आएंगी, बशर्ते हम पूरी तरह से समर्पित होके भक्ति करें। तो ये चीजें एकदम नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जो भगवान का भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, उसको गुस्सा नहीं आता, उसमें सहन शक्ति आ जाती है, उसमें संयम आ जाता है, तो वो धीरे धीरे आएगा जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो आएगा, जरूर आएगा। और ये चीजें अपने मन से अगर हम बस मन करना चाहे तो इतना आसान नहीं है। भक्ति के मार्ग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे 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 होगा, लेकिन ये चीजें या तो दब जाएंगी या बस में आ जाएंगी। जी मुझे मतलब हमेशा यही डाउट रहता था, क्योंकि मैंने परशुराम का भी स्टोरीज पढ़े थे, तो उनको भी बहुत ऐसा क्रोध आता था, तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि ये लोग इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, इनको क्रोध वो लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम कैसे करेंगे? हम कर सकते हैं माता जी, हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कर सकते हैं। तो ये इनका परशुराम जी का कई कई चीजें हैं इनके, उनको एकदम से श्राप दे देते थे बिना सोचे। जी माता जी वही जी ठीक है माता जी जी। लेकिन माता जी उनके लिए सुदर्शन चक्र आया ना? जी 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 वो तो है जी। हरे कृष्णा अरविंद प्रभु प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए प्रभु। माता जी मेरा क्वेश्चन है कि जो कलाएं होती भगवान की, वो कलाएं क्या होती है? जैसे बोलते ना कृष्ण भगवान 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे, मतलब उनका अवतरण हुआ था। जी जी। तो वो क्या होती हैं कलाएं? प्रभु जी कलाएं तो बहुत है, पर जो चार कलाएं हैं वो भगवान के सिवा और किसी के पास नहीं। उसमें है जैसे वीणा माधुरी, भगवान के जैसे सुंदर वीणा और कोई भी नहीं बजा सकता, ठीक है। रूप माधुरी है, भगवान का जितना सुंदर रूप और किसी का भी नहीं है, किसी में भी नहीं है, इसमें कहा है। और भक्त माधुरी, भक्तों के लिए जैसे भगवान के भक्त, भक्त माधुरी है। और एक और है इनका लीला माधुरी, जैसी लीला भगवान कृष्ण ने की है वैसे किसी ने नहीं किए। ये कहा है कि ये चार चीजें जो है सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है और किसी के पास नहीं है। लीला माधुरी है, वेणु माधुरी, बांसुरी बजाते हैं ना, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, भक्त माधुरी, भक्त माधुरी जी, ये चार चीजें और किसी के पास नहीं। तो जो राम जी थे और कृष्ण जी थे वो कितनी कितनी कलाओं के साथ अवतरण हुए थे जैसे आप बताएं? और उसमें प्रभु जी इनके जो भगवान कृष्ण की है 64 और उनमें है 64 कला जी, और भगवान विष्णु भगवान राम इनकी 60 है। इनकी जो चार मैंने ये आपको बताई, ये भगवान कृष्ण की चार ज्यादा है इनसे। एक्चुअली मैंने सुना था कि 16 कलाएं होती हैं जो विष्णु भगवान की, 16 कलाएं 60 है इनकी, 64 है जी जी। ओके। किसी दिन जो विष्णु भगवान की है वो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और एक साधारण मनुष्य कितनी कलाएं रखता है जैसे हम हैं, कितनी कलाएं होती हैं? कह नहीं सकती मैं कितना होगा, बताइएगा माता जी, विस्तार से बताऊंगी आप जी प्रभु। ओके माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उमा माता जी, माता जी आज दोबारा से वो बर्बरी का किसी ने पूछा है माता जी, कटुश्याम प्रभु जी की भक्ति, भगवत भक्ति में आता है क्या करके, वैशाली माता जी पूछ रही है। किसके लिए? बर्बरी के लिए। हाँ कटु श्याम वो बर्बरी में ही आता है ना माता जी? हाँ माता जी, वो वही उसी का वो है, उन्हीं का मंदिर है ना वो, तो वो भगवत भक्ति में तो नहीं आता होगा शायद से। माता जी मैं आपको बताती हूँ, ये जो बर्बरीक है ना, बर्बरीक के बारे में, ये जो भीम है ना, पांडव भीम है, भीम के भीम और ये जो पांडव जब वनवास में थे, आपको याद होगा जब ये जंगल में वनवास में थे तो एक हिडिम्बा नाम की राक्षसनी से शादी हुई थी ना भीम की, हिडिम्बा, हिडिम्बा का पुत्र था घटोत्कच, और जो ये बर्बरीक है घटोत्कच का बेटा है, ये भीम का पोता है,
ये जो बारबरिक है भीम का पोता है, इसमें कहा है, और इस बारबरिक ये जो पहले एक यक्ष थे और इनका जो पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में हुआ था। बारबरिक गदाधारी भीम का पोता था। बारबरिक को उसकी माँ ने सिखाया था जब भी जैसे युद्ध हो रहा है कुछ हो रहा है तो जो पक्ष हार रहा है तुम हमेशा उनकी मदद करना, ये उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी थी बारबरिक को। तो जब वो युद्ध स्थल में आ गया यहाँ आपके कुरुक्षेत्र में तो, और ये बहुत ही वीर था माताजी, इसको बहुत सिद्धियां प्राप्त थी, और ये क्योंकि हारने वाली टीम तो यही थी ना कौरवों की, तो ये कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाला था इसमें कहा है, और इसमें इतनी शक्तियां थी कि ये सारे वीर योद्धाओं को मार सकता था, और युद्ध में सहायता देने के लिए जब ये वहां आया और शक्ति का परिचय प्राप्त था भगवान को इसकी शक्तियों का, इसलिए भगवान ने क्या किया इसका सिर अलग कर दिया बारबरिक का, ताकि ये नुकसान ना पहुंचाए ये इस, क्योंकि ये तो माँ की शिक्षा के अनुसार ये तो कौरवों की तरफ से लड़ने वाला था, तो इसलिए भगवान का इसका सिर अलग कर दिया। और 16 दिन 17 दिन जब तक ये युद्ध चलता रहा इसका सिर देखता रहा युद्ध को, और वो गुस्से से वो आवाजें करता रहा 16-17 दिन, सिर अलग करने के बाद इसका सिर जिंदा रहा और वो आवाजें करता रहा, ऐसा कहा गया, गरजता रहा युद्ध देखता रहा। जी माताजी, तो सुना है मैंने उस मंदिर में, मैं नहीं गई हूँ माताजी, लेकिन वहां सिर्फ सिर ही सिर है ऐसा मैंने सुना है। अच्छा, वो ये शायद राजस्थान में कहीं है, तो माताजी पूछ रही है कि भगवत, ये भगवत भक्ति में तो नहीं आता होगा ना माताजी? नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जी जी माता जी। हरे कृष्ण सुशील प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा जी। एक छोटा सा प्रश्न है मेरा कि ये जो सारे भक्त लोग हैं कृष्ण भक्त और स्पेशली इस्कॉन के, मैं देखता हूँ एक चंदन का बड़ा टीका लगाते हैं, इसका क्या महत्व है? जी माता जी, प्रभु जी मैंने भी लगाया, उसकी बात कर रहे हैं आप जी। ये प्रभु जी ये टीके का बहुत ही महत्व है। ये टीका जो हमारे माथे में आप देख रहे हैं ना, ये एक ही नहीं है, ये हम 12 जगह लगाते हैं भगवान के 12 नाम से, अलग अलग जगह के लिए भगवान का अलग अलग नाम है, 12 जगह लगता है ये टीका भगवान के 12 नाम के साथ। ऐसा आप सोचिए जब स्नान करके जब हम 12 जगह टीका लगाते हैं ऐसा लगता है ये शरीर जैसे शुद्ध हो गया, बहुत ही महत्व है इसका, क्योंकि भगवान का नाम लेते हुए हम ये टीका लगा रहे हैं। और जिनकी दीक्षा हो गई है वो लोग तो हम जितनी बार हम लोग स्नान करते हैं उतनी बार हम ये टीका लगाते हैं। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वैभव प्रभु जी। माता जी, बारबरिक जो है इनके बारे में ये ऐसे सुना हुआ है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने इनको बोला कि अगर तुम तुम्हारा पराक्रम सिद्ध करो फिर ही मैं तुमको युद्ध करने दूंगा, और इनको कहा गया था, इनको और अर्जुन को दोनों के साथ ये कहा गया था कि एक तीर्थ अगर आप सारे पीपल के पेड़ छेद देंगे तो मैं आपको अनुमति दूंगा, नहीं तो आप अपना सिर मुझे काट के दे दोगे। तो फिर नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं है, ये टीवी में आपने देखा होगा शायद वहाँ, और फिर बताते कि पीपल का एक पत्ता कृष्ण जी ने पैर के नीचे दबा दिया तो नहीं छेद पाए जी। और फिर प्रभु जी क्या है टीवी में ना टीआरपी के लिए वो कुछ भी दिखाते हैं कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसको बारबरिक को इसकी माँ ने एक शिक्षा दी थी कि तुम हमेशा जो टीम हार रही है उसको मदद करो, तो इसलिए, और इसकी शक्तियां इसमें बहुत शक्तियां थी जिनका भगवान को पता था, उनको पता, उनको भगवान ने सोचा अगर ये कौरवों की तरफ से अगर कुछ करेगा तो ये बड़े बड़े योद्धा जो हैं इनकी पांडवों की उसमें ये उनको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए भगवान ने पहले उसका सिर अलग कर दिया, और उसका कटा हुआ सिर 18 दिन तक युद्ध देखता रहा और गरजता रहा, इतना तो शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था। माता जी, भगवान ने इनको कुछ यानी आशीर्वाद या वरदान दिया था जिससे ये पूजे जा रहे हैं? और दूसरा एक और एक क्वेश्चन था कि जैसे लास्ट में जब युद्ध हो गया
तो सब जैसे पांडव सब पराक्रम की बात कर रहे थे, तब इन्होंने बोला था कि नहीं आपने पराक्रम से नहीं जीता, आपने पूरा छल से युद्ध जीता, ऐसा कुछ था माता जी? नहीं जी, वो फिर बोला नहीं, लेकिन गरजता रहा अलग से, इसका सिर युद्ध देखता रहा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूजा उसके लिए, वो कैसे उसकी पूजा होती है ये मैं नहीं कह सकती प्रभु जी। जी 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 माता, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण मानव प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। राधे राधे माता जी। हरे कृष्णा, बोलो बोलो जी। माता जी, मेरा सवाल ये है कि बताया गया है, क्योंकि कुछ पुराणों में लिखा हुआ है कि सहदेव त्रिकालदर्शी थे, ये सही है? किसके लिए? मैं जैसे महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ था मीन्स कुरुक्षेत्र में, तो सहदेव को ये सब पहले ही पता था कि कृष्ण जी ही विष्णु के अवतार हैं, और उनको क्योंकि कुछ जगह पे बताया गया है कि वो एक से अनेक हो सकते थे। सहदेव नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। पूरे जितने महाभारत के पात्र हैं ना, उनमें से किसी ने नहीं पहचाना भगवान को, जबकि सबके सामने थे, सबके साथ में थे, सबसे बोल रहे थे, सबके साथ मित्रवत व्यवहार था। सिर्फ भीष्म पितामह जानते थे भगवान है, वो उतने ही आदर से, उतने ही सम्मान से भगवान से बात करते थे, और कोई नहीं जानता था। आपने देखा अर्जुन तक को 10वें अध्याय में आखिरी में पता लगा कि ये भगवान है जिन्हें मैं अपना मित्र समझ रहा हूँ, ये भगवान है, और कोई नहीं पहचान पाया प्रभु जी। सबके सामने थे भगवान, कोई नहीं जान पाया। जी ऐसा बताया गया है कि क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे, और इसके वजह से वो एक से अनेक हो सकते थे, तो इससे वो जो है जो कौरव थे उनको बहुत जल्द तरीके से मतलब विनाश कर रहे थे। तो शिव कृष्ण जी ने बताया कि ऐसा आप ना करें, ऐसा कुछ हुआ तब उन्होंने कृष्ण से वचन लिया था कि अगर आप हमारे मतलब हम पांचों भाई में से अगर कोई भी मरता है तो आपको भी हमारे साथ मरना होगा, ऐसा कुछ स्टोरी मिथ है, तो इसीलिए मैं नहीं प्रभु जी, क्योंकि भागवत महापुराण में कहीं है वर्णन नहीं है, भगवत गीता में भी नहीं है। तो हम तो ना ये जो शास्त्र जिन्हें हम पढ़ते हैं इन्हीं को प्रमाण मानते हैं प्रभु जी, तो इनमें कहीं भी नहीं है ऐसा। जी जी, अगर होता तो जरूर बताते। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। माता जी, जैसे कि अभी आपने एक बात क्लियर की कि भगवान की ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है, वो जो प्रकट हुए हैं। जी जी, ठीक है। तो वो प्रकट हुए, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे उन्होंने कई लीलाएं की, कई असुरों का वध भी किया, और मेन हमको गीता ज्ञान भी दिया, तो उनका मूल उद्देश्य जो था मुख्य तरह से कि क्या था जो प्रकट होने का? और माता जी, जब भी भगवान इस धरा पर प्रकट होते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, और दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। वो आए थे देवकी को दर्शन देने के लिए, देवकी वासुदेव को, और कंस का वध करने के लिए आए थे। जो वो जब भी आते हैं माता जी, जैसे भगवान राम के रूप में आए थे, रावण का वध करने आए थे, ठीक है, और कृष्ण रूप में कंस का वध करने आए थे, और देवकी माँ को दर्शन देने के लिए आए थे, क्योंकि देवकी वासुदेव ने बहुत समय तक तपस्या की थी उनको पुत्र रूप में पाने के लिए। जी माता जी, इसलिए वो लीला करने आए थे। जी माता जी। अच्छा, और माता जी सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे जो भालका तीर्थ है गुजरात में जी, तो वहाँ पे वो जो स्थान है वो दिखाया कि वहाँ पे वो उनपे बाण संधान हुआ और उन्होंने वो शरीर त्यागा था, कि सच में उनको बाण लगा था, कि ये सिर्फ बताया गया है? भगवान के लिए बात कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी माता जी, ये जो कहा जाता है ये असल में ये लीला भगवान ने रची थी। भगवान जब अपने धाम को जाने वाले थे तो अपना ये जो पूरा परिवार, क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था, भगवान की 16,108 रानियां थी, ठीक है, हर रानी से उनके 10 पुत्र थे, तो आप सोच सकती हैं कि वो यादव कुल कितना बड़ा था।
जी जी ठीक है। तो भगवान जाने से पहले इस सबको समेटना चाहते थे, जब और उनके जो 16108 महल थे वो भी सब, जब वो जाने लगे थे वो भी सब समुद्र में समा गए थे। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो उस कुल को वो समेटना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी रहे उसमें से। इसने भगवान के द्वारा रची गई लीला थी, भगवान तो सीधा अपने धाम गए, वैकुंठ धाम को गए माता जी। जैसे देव की माँ है वासुदेव जी है, ये सब भी गए जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जनार्दन हरे कृष्ण कर लीजिए प्रभु। हरे कृष्णा जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी बोलिए प्रभु जी बोलिए। मेरा प्रश्न है कि हम लोग हरे कृष्णा ही क्यों बोलते हैं, जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? प्रभु जी ये जो हरे कृष्णा, इसमें हरे है ना, क्या चीज है? सुनिए जो ये मंत्र है ना, हरे कृष्णा, ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, इसलिए बोलते हैं हम। क्योंकि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कलयुग में ही आए थे, 500 साल पहले नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जब उनको लगा कि कलयुग में जप कर पाना, तप कर पाना, जंगल में जाकर तपस्या कर पाना, यज्ञ कर पाना, ये चीजें संभव नहीं है, तो उन्होंने हमारे उद्धार के लिए एक आसान सी विधि दी। आसान सी विधि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र हमको दिया है। कोई भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है आसानी से हमारे उद्धार के लिए, इसलिए हम हरे कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि ये महामंत्र चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और हमारे शास्त्रों से आया है जी प्रभु जी। और आप जय श्री कृष्ण भी बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, वृंदावन में तो हर जगह राधे राधे ही बोलते हैं माता जी, उसमें कोई वो नहीं है भगवान का नाम। हरे से मतलब कोई हरे का जो अर्थ है कुछ ये नहीं है, वो हम भगवान को, भगवान को याद कर रहे हैं प्रभु जी, उसका अर्थ हम तो इसी बारे में कभी सोचते भी नहीं है जी। हाँ, जी प्रभु जी, कैसे भी भगवान का नाम लीजिए, कैसे भी प्रभु जी जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। माता जी एक चैट बॉक्स में प्रश्न था, वो तो 12 नाम जो उन्होंने पूछा था जो हम चंदन लगाते हैं, तो वो पहले तो मैंने लिख दिया था, तो उन्होंने और पूछा है क्या जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो लगा नहीं सकते हैं क्या माता जी? जिनका दीक्षा नहीं है, अगर वो ये आपका नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं और गलत संबंध नहीं रखते हैं, मीट नहीं खाते हैं, और तो ये जो रूल है इनको मानते हैं तो लगा सकते हैं। और नशे में चाय कॉफी भी आता है, चाय कॉफी, ये आपका कोक, ये चीजें भी आती है जी। और माता जी कविता माता जी आपको थैंक यू बोल रही है, और उन्होंने लिखा है आज का सुधामा कृष्ण का स्टोरी आपके मुख से इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे आंखों से आंसू आ गए, बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया आपने, आपको सादर श्री कृष्ण सदा ही स्वस्थ रहे आप। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। माता जी मैंने भी पहली बार आपसे आपकी बुक से सुना था तो बहुत ही ये लग रहा था कि सच में ऐसा लग रहा था कि आप सच में ऐसा हो रहा है जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न तो नहीं है माता जी? जी माता जी, चैट बॉक्स में भी नहीं है ना? नहीं, माता जी कल मिलते हैं, कल मिलते हैं जी माता जी। हरे कृष्णा, आपकी आवाज सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। हरे हरे कृष्णा माता जी, अभी वो कीर्तन चल रहा है ना मंदिर में, तो वो भी अटेंड करना है थोड़ा सा। जी जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे कृष्णा।